फंड करता। हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज है 30 नवंबर और आज है ददरी मेले की शुरुआत है और मैं आया हूँ ददरी मेला। मैंने सोचा आप सभी लोगों को दिखाना चाहिए ददरी मेला। लेकिन पिछली बार हुआ क्या थी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट इस समय क्या है उतनी कोई खास ज़्यादा भीड़ नहीं है और छोटा सा मेला लगा हुआ है। और यहाँ पे जो चक्री वगैरह है या झूला वगैरह है बिल्कुल भी नहीं आया है, कुछ ही लिमिटेड दुकानें हैं, तो उन सभी को मैं आपको दिखाता हूँ। और हालांकि काफ़ी कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है इस मेले के अंदर, तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ जरा एक बार सामने से जरा लुक दिखाता हूँ कैसा है मेला। देखा जाए तो एक बार के लिए काफ़ी छोटी मार्केट लगी है ददरी मेले में। और मैंने पिछली बार सोचा था कि काफ़ी अच्छे तरीके से ददरी मेले की जो वीडियो है वो शूट की जाएगी, बट बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी कि यहाँ पे कुछ ऐसा आप लोगों को नहीं दिखा सकता जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। कुछ दुकानें हैं वो एक एक करके मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। जौनपुर से तो बाहर के लोग नहीं आएंगे, आ गए थे साहब हम लोग बलिया रसड़ा में दुकान लगाए हुए थे, तो आ गए सामान वहीं पहले लॉकडाउन पहले कपड़ा हुआ था औरंगाबाद MTM ने पहले कर दिया कि पहले तो कैंसिल कर दिया मेला, क्योंकि ददरी मेला नहीं लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ के लोग सब जो लोकल थे वो ऑप्शन लिए, मतलब दुनिया का धरना प्रदर्शन किए। फिर वे एक हफ्ते के लिए बोले कि ददरी मेला लगा देंगे, तो बाहर पब्लिक अब कैसे आए जो 20 दिन 25 दिन चलता था, तो 6-7 दिन में करेंगे क्या ये बात। क्योंकि नहान के जो ये कार्तिक पूर्णिमा होता है उस दिन नहान के बाद एक हफ्ता यहाँ कुछ भी नहीं जाता था, और जो सेल धंधा बिजनेस होता था वो खाली 10-12 दिन होता था लास्ट में, इसीलिए बाहर पब्लिक नहीं आई। साहब हम आ गए ऐसे घूमते हुए, ऊपर वाला चाहेंगे रात का अगर महिमा होगी कुछ कमा लेंगे, नहीं तो देखेंगे कोरोना में हमारी सब पोजिशन बहुत खराब है साहब। मेले वाले को कहना गवर्नमेंट सुनी नहीं रही है कि मेला प्रदर्शनी वाले को, अब ऐसे दुकान लगा के अगर बैठे रहते हैं तो कोई आया तो ले लिया, नहीं तो क्या मालूम बाहर वाले को। अब मेला झूला लगा रहता था तो आदमी 2 किलोमीटर से दूर से देख के आता था, चलो झूला झूलेंगे मेला देखेंगे, तो ऐसे हमारा सब भी थोड़ा बहुत निकल जाता खर्चा पानी। ठीक सर, मोस्टली लोगों का यही कहना है कि झूला ना लगने की वजह से क्या है कि मोस्टली जो लोग हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जिनकी वजह से जाहिर सी बात है इन लोगों की खरीदारी जितने भी दुकानदार हैं उनकी खरीदारी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ये फ़ोन आ गया जरा मेरा, इसको ज़रा कैंसिल कर दूँ और क्या है ये भी दिखा दूँ। ये कुछ कंबल की दुकान है, मार्केट में हालांकि कोई खास रौनक नहीं है, बट ठीक है अभी शुरुआत हुई है और हो सकता है क्या पता आने वाले समय में थोड़ी भीड़ बढ़े। और ये छोटे बच्चों की जूते कितने के भाई? 20 रुपये का। 20 रुपये? हाँ, बलिया से हो बाहर से हो? बलिया से। तो शुरुआत हुई है, आज ही लगा है ना, 6 तारीख तक मेला लगेगा। अच्छा, कौन सा गाना सुनाओगे? अब जो बोलेंगे सुना देंगे, बोलिए ना। इंग्लिश गाने भी सुनाते हो? वो बोलिए, इंग्लिश से लेके भोजपुरी आई पूरा का जरा सॉन्ग। कितने का भाई?
मेले के लिए वीडियो बना रहा है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब से क्या नाम जानते हो गए? तो मार्केट में तो बिल्कुल कमी नहीं है, क्या रिकॉर्ड किया जाए, ले लिया इनका। और भी है इसके अलावा? हाँ और भी है। ये खुद घर पे बनाया हुआ है क्या? ना भाई, खरीद के लाते हैं। चलिए ठीक है। और ये किस देखा जाए तो मार्केट में काफी ज्यादा धूल है, कोई खास दस रुपए सेल कंगी कंगी खींचा गया। गुलगप्पा कैसे दे रहे भाई साहब? अच्छा, मार्केट में मजा है कि नहीं है? नहीं भाई साहब, मजा नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, पानी तो खुशबू का भी अच्छी आ रही है, मुँह में पानी आ गया। ₹10 का तीन? हाँ। उम्मीद है नहीं, उम्मीद तो कम है। एक है हाँ, पिछली बार भी था ये। चलिए ठीक है, ये पुनी पुनी सैंडल्स वगैरह है। मेले में देखा जाए तो कोई खास मजा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी भीड़ लगी हुई है। जरा मैं दिखाता हूँ जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। जादू का खेल भाई, हाथ खोलिए भाई आप। इसमें सब आदमी का फोटो बनेगा, देखिए जादू से नहीं बनेगा, हाथ के सफाई से बनेगा। देखिए हाथ खोलो भाई, आप सांप का जहर देखलाता हूँ। देखिए चलो भाई, आए सांप का देखा ही मुड़ी धो ले, इसी बलिए में हम पकड़े हैं भैया इसको।